चमकी बुखार बिहार में मौत का तांडव कर रही है और बेतहाशा बढ़ रही गर्मी और लू की चपेट में आने से बिहार में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं मौसम विभाग ने बढ़ रही गर्मी को लेकर पूरे बिहार को रेड अलर्ट पर रखा है। एहतियातन बिहार के लगभग सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। कटिहार में भी जिला प्रशासन ने सभी स्कूल और कोचिंग संस्थानों को 22 जून तक बंद करने के आदेश दिए हैं। लेकिन इस आदेश की धज्जियां उड़ाते कोचिंग संस्थान के संचालक कटिहार में खुलेआम अभी भी अपने कोचिंग का संचालन करते नजर आ रहे हैं। इन कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बेशर्मी की हद देखिए कि डीएम के आदेश को अपने कोचिंग के सामने चिपका कर इस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या करना है? कोचिंग नहीं खुला हुआ है सर, आप क्यों? क्या कर बच्चा क्या कर रहा है? आपको डीएम का आदेश का लेटर मिला होगा? लेटर यहाँ पे सर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेटर मेरे पास है। क्या लिखा हुआ है? देखिए लेके क्या लिखा हुआ है, वही बताइए ना क्या लिखा हुआ है। लेटर में लिखा हुआ सर 11 बजे से 4 बजे तक बंद रखने का। अच्छा, बंद रखने का कोचिंग संस्थान? हाँ, कहीं पे नहीं है। देखिए सर, क्या नाम हुआ इस कोचिंग का? क्या नाम हुआ? ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि आदेश किसी का भी हो, ये अपनी मर्जी की करते हैं। शायद ये लोग भी जानते हैं कि सिर्फ एक पत्र लिख देने मात्र से कुछ नहीं होता, प्रशासन बोलती रहे पर इन पर असर नहीं पड़ता। ये और बात है कि इस गर्मी की चपेट में आने से अगर कोई बड़ी समस्या खड़ी होती है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद भी उस आदेश की अवहेलना करना और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना होने से एक कमजोर, लाचार, बेवस शासन व्यवस्था की ओर साफ साफ इशारा होगा। ये आदेश जो कागजों पर लिख तो दिया गया पर कई जगहों पर लोग इसे धत्ता बताकर अपने शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करते आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी ऐसा कर रहे हैं, ज्यादातर शैक्षणिक संस्थान इस आदेश के बाद पूर्णतः बंद है तो अधिकतर शैक्षणिक संस्थान खुले हैं। जो इस आदेश को मुंह चिढ़ा रहे हैं जैसे मानो वो कह रहे हो कि हम अपने शैक्षणिक संस्थान खुले रखेंगे, जिसे जो करना है कर लो। रतन कुमार, टाइम्स न्यूज, कटिहार।